काम तो पूछते हैं हमें जिंदगी में एक हुनर दिएगा ताकि मेरे 18 साल का जो जगह उसका और कर जी जिंदगी में एक मेरा अपने आप से बीती हो तो मैं आपके बारे में आपका कहीं जगह उसका और कर जी। आपका सवाल अच्छा है कि जिंदगी में एक मरतबा कुर्बानी क्यों देना सारे साल, जिंदगी में एक मरतबा ही कुर्बानी दे देना चाहिए सारे साल क्यों दे दो। देखिए तो ये तो बचकाना सवाल है, जाहिलाना सवाल है। सबसे पहले तो हम ये बात बताते हैं कि हम वो अमल करते हैं जिस अमल के करने को अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है, कुर्बानी किया है और हर साल अगर मालिक निसाब है तो कुर्बानी करने का हुक्म अदा करना है। तो अहादीस में जब हमें, हम मुसलमान तो कुरान और अहादीस पर चलने वाले, कुरान और अहादीस पर चलने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर साल मालिक निसाब होने के बाद कुर्बानी करने का हुक्म अदा फरमाया। इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि हम अपने नबी की बात को मानते हुए हर साल कुर्बानी करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इबादत हमेशा करने की हो उस इबादत को सिर्फ एक वक्त के लिए खास करना जरूरी नहीं है। जैसे कि हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं, एक मरतबा नमाज पढ़ लो जिंदगी में, फिर बार बार 5 वक्त नमाज कहीं को पढ़ो और रोजाना कहीं को पढ़ते, तो उसका यही जवाब मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ने के लिए कहा। अब इसमें यह कैद नहीं लगाई गई कि मालिक निसाब हो या फला। तो जो नबी जिस तरह तुम अपने धर्म की बात मानते हो तो हमें भी ये है कि हम अपने नबी की बात को मानते हुए उस पर अमल करें ताकि हमारे से अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, क्योंकि अल्लाह के अल्लाह का कुरान कहता है मैं कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की वो गोया के कामयाब हो गया। और हमारी कामयाबी कुरान और हदीस के अमल में है और कुर्बानी का हर साल करना ये कुरान हदीस में हमें बताती है, इसीलिए हम हर साल कुर्बानी करते हैं। जी दूसरा सवाल।